बच्चे के जन्म के दौरान प्राइवेट अस्पताल ऑपरेशन से ज्यादा डिलीवरी करते हैं, वहीं नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी यानी सिजेरियन डिलीवरी को लेकर सरकारी अस्पताल में क्या प्रतिशत रहता है और ऑपरेशन से डिलीवरी के क्या मुख्य कारण हैं, आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। आपको बता दें कि मौजूदा समय में बच्चे के जन्म के वक्त नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी यानी सिजेरियन डिलीवरी को लेकर काफी चर्चा होती है। प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्यादातर डिलीवरी ऑपरेशन से ही होती है। वही लोगों का ये भी आरोप रहता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल जानबूझकर और पैसा कमाने के लिए ऑपरेशन से डिलीवरी करते हैं। वही ऑपरेशन के बाद महिला को ताउम्र कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। यहाँ हम आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं सीएम सिटी करनाल की। नॉर्मल और ऑपरेशन डिलीवरी के आंकड़े और कारण जानने के लिए हमने करनाल जिले के पीएमओ डॉक्टर पीयूष शर्मा से बात की, जिन्होंने बताया कि यहाँ के अस्पताल में करनाल के साथ साथ पड़ोसी जिलों के लोग भी आते हैं और यहाँ के डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं। बेहद गंभीर मामले में ही डिलीवरी ऑपरेशन से की जाती है। अक्टूबर के महीने में यहाँ कुल 748 डिलीवरी हुई है, जिसमें 548 नॉर्मल है और 200 ऑपरेशन के साथ हुई। नवंबर में कुल 753 डिलीवरी हुई, जिसमें 581 नॉर्मल और 172 ऑपरेशन से की गई। दिसंबर में कुल 783 डिलीवरी हुई, जिसमें 571 नॉर्मल और 212 ऑपरेशन के साथ की गई। वही जनवरी में कुल 720 डिलीवरी हुई, जिसमें 508 नॉर्मल और 212 ऑपरेशन के साथ हुई। कुल मिलाकर पिछले चार महीनों में 2208 नॉर्मल डिलीवरी और 796 ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है। करनाल के अस्पताल की महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सारिका अग्रवाल ने बताया कि ऑपरेशन से डिलीवरी करने के कई कारण होते हैं, जैसे बच्चों को गर्भ में किसी तरह की समस्या या बच्चे का उल्टा होना, माँ और पेट में पल रहे बच्चे का कमजोर होना। साथ ही अगर किसी महिला का पहला बच्चा ऑपरेशन से हुआ है तो ज्यादातर चांस होते हैं कि उसका दूसरा बच्चा भी ऑपरेशन से ही होता है। कुल मिलाकर करनाल के सरकारी अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी बहुत कम की जाती है और यहाँ नॉर्मल डिलीवरी ज्यादा करवाई जाती है। इसलिए करनाल के लोगों को भी चाहिए कि वो सरकारी अस्पताल में डिलीवरी कराएं, ताकि उन पर पैसों का अतिरिक्त भार भी ना पड़े और महिला को भी सिजेरियन से कटना लगे। ज्यादातर बच्चे ऑपरेशन से पैदा होते हैं। सर, सरकारी हॉस्पिटल की सर क्या स्थिति है? आमतौर पर जो प्रेवलेंट जो हमारा लिटरेचर बोलता है, जो प्रेवलेंट रिसर्च जो बोलती है, ऑलमोस्ट 15% के करीब जो है वो सीरियन सेक्शन होते हैं। पर आजकल इनका जो इंसिडेंस है वो बढ़ता जा रहा है। कारण एक तो ये है कि आजकल जो लेडीज आती हैं वो डिमांड करने लगी हैं कि हम नॉर्मल डिलीवरी की बजाय सीरियन सेक्शन करवाना ज़्यादा पसंद करें। जहाँ तक हमारे अस्पताल की बात है, हमारे यहाँ जो केसेज आते हैं वो फील्ड से और आसपास के जिलों से रेफर होके आते हैं, और उनमें से भी ज़्यादातर लोग जिसको प्राइवेट हॉस्पिटल वाले या जो बाहर फील्ड में जिनको ऑपरेशन बता दिया जाता है सीरियन ऑपरेशन, वो सीधा ही ऑपरेशन करवाने के लिए ही यहाँ पे आते हैं। तो हमारे जो इंसिडेंस है, जैसे हमारे यहाँ अक्टूबर 2020 में टोटल 748 डिलीवरियाँ हुई, उसमें से 200 के करीब सीरियन हुए और 548 नॉर्मल डिलीवरी हुई। ऐसे ही नवंबर 2020 में हमारे यहाँ टोटल 753 डिलीवरीज हुई हैं, उसमें से 172 सीरियन ऑपरेशन से बचे हुए हैं और 581 नॉर्मल डिलीवरी से। दिसंबर में 783 डिलीवरीज हुई, उसमें 212 ऑपरेशन हुए और 571 नॉर्मल डिलीवरीज हुई। जनवरी 2021 में 720 डिलीवरीज हमारे यहाँ हुई है टोटल, और उसमें से 212 सीरियन सेक्शन से हैं और 508 नॉर्मल डिलीवरी हैं। तो इस तरह आप देखोगे तो लगभग हमारे यहाँ जो सिविल हॉस्पिटल में लगभग 25% के आसपास सीरियन सेक्शन का रेट आ रहा है। पर क्योंकि हमारे यहाँ, हम इसलिए इसको नॉर्मल मानेंगे क्योंकि हमारे यहाँ रेफर केस आते हैं सारे, जिसको भी कॉम्प्लिकेशन हो जाए फील्ड में, चाहे पीएचसी में, सीएचसी में, और इवन आसपास के जिलों में, इवन यूपी, क्योंकि बॉर्डर यूपी से लगता है, यूपी से भी केसेज आते हैं। तो हमारे यहाँ पेशेंट जो है ऑपरेशन के लिए सीधे कई बार पेशेंट आते हैं। सर, वजह क्या मानते हैं कि ऑपरेशन होने की? ऑपरेशन के होने की तो कई सारे कारण होते हैं, जिसमें कुछ कारण मदर से रिलेटेड होते हैं, कुछ बच्चे के कारण से होते हैं।
तो सर लोगों से क्या कुछ अपील करेंगे आप? लोगों से अपील हम यही कर सकते हैं कि थोड़ा सा अपना सहनशील बने, थोड़ा डॉक्टरों के ऊपर विश्वास करें और डॉक्टरों के साथ सहयोग करें। सर भविष्य में जो ये आंकड़ा है नॉर्मल डिलीवरी का, कुछ बढ़ने की उम्मीद है? इसका अभी से कोई पूर्वानुमान हम नहीं लगा सकते। होगी हमें ना ऑपरेशन की तो हम उसी में ही करते हैं, जब तक कोई इंडिकेशन हमें नहीं लगता हम नहीं करते, हम नॉर्मल ही ट्राई करते हैं। समझ रहे आप इस चीज को? जैसे कि नॉर्मल भी क्या है, आपका अगर पेल्विक्स अच्छा है और बच्चे के हार्ट रेट भी सब कुछ सही चल रहा है तो हम नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चे की धड़कन कम होने लग गई है या पहले ऑपरेशन है या फिर उसका बच्चे ने लैट्रिन कर दिया तो हम ऑपरेशन पे जाते हैं, वरना उससे पहले हम ऑपरेशन के लिए नहीं जाते, ठीक है। और कुछ बताइए। तो सरकारी हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पर ज्यादातर केस रेफर होके आते हैं। हाँ जी, रेफर होके आते हैं। तो क्या कुछ आंकड़ा है पिछले 3-4 महीनों का? 3-4 महीने से तो बहुत ज्यादा था, क्योंकि कल्पना चावला हमारे यहीं पर आया था तो मोस्टली सारे पेशेंट हमारे पास ही आ रहे थे, समझ रहे हो? तो मतलब कि फुल था ये हमारा पूरा बेड, उससे ज्यादा ही थे, डबलिंग और ट्रिपलिंग भी हो रही थी। तो जो ऑपरेशन वाली महिलाएं होती हैं, ऑपरेशन ना हो नॉर्मल डिलीवरी से हो, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो भी ऑपरेशन ना हो तो सबसे पहले कि आप रूटीन चेकअप कराएं, ठीक है। जितने रूटीन चेकअप होते हैं वो सब आपको कराने हैं, इन्वेस्टिगेशन अपने प्रॉपर कराने हैं, ठीक है। जब भी विजिट करनी है आपको पता होना चाहिए कि आपको आना है एवरी 3 मंथ, ये जो होता है हम जो बताते हैं, ठीक है। आयरन, फॉलिक एसिड, ये सारी टेबलेट्स लेनी है उनको, ठीक है। बीपी के बारे में इनको देखना है, कई बार क्या होता है बीपी की वजह से भी हमें ऑपरेशन करना पड़ जाता है क्योंकि बीपी हाई हो जाता है, ठीक है। तो आप रूटीन में आएंगे तो हम बता सकते हैं कि आपका बीपी सही चल रहा है नहीं चल रहा है, हम उनको बताएंगे डाइट क्या लेनी है, तो उससे भी बचा जा सकता है ऑपरेशन से, ठीक है। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।